टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का मुकाबला रविवार को न्यूजीलैंड से होगा। टीम इंडिया दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी, क्योंकि टीम को पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच गंवाना पड़ा था। खास बात यह है कि न्यूजीलैंड को भी पहले मैच में पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि भारत की जीत का दारोमदार कौन से 5 खिलाड़ियों पर रहेगा। नंबर 1, रोहित शर्मा। पाकिस्तान के खिलाफ हिटमैन रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। यही वजह रही कि भारत को खराब शुरुआत मिली और टीम को मैच गंवाना पड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा को बेहतरीन पारी खेलनी होगी ताकि जीत दर्ज की जा सके। नंबर 2, विराट कोहली। कप्तान विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 57 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, जिसकी बदौलत टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई। इस मैच में विराट कोहली पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में आउट हुए हैं। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली पर जीत का सारा दारोमदार रहेगा। नंबर 3, ऋषभ पंत। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पाकिस्तान के खिलाफ 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि टीम मैच नहीं जीत सकी, लेकिन ऐसे में पंत से न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन पारी की उम्मीदें हैं। नंबर 4, जसप्रीत बुमराह। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के खिलाफ एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने 3 ओवर में 22 रन लुटाए, लेकिन अगले मैच में जसप्रीत बुमराह का फॉर्म में वापस लौटना बेहद जरूरी है। अगर बुमराह बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो टीम को जीत मिलने में आसानी रहेगी। और नंबर 5, रविंद्र जडेजा। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी पाकिस्तान के खिलाफ गेंद और बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। अगर वो गेंद और बल्ले से अच्छा प्रदर्शन कर सके तो टीम के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो ये थे वो 5 खिलाड़ी जिन पर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत का दारोमदार रहेगा। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।